नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। दोस्तों, करणवीर वोरा और श्रीशांत के बीच की खाई गहराती चली जा रही है, बीच का जो फसाद है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पहले तो केबी ने श्रीशांत को जेल में भेजा, तो श्रीशांत तब से भी भड़के हुए थे, और अब केबी ने ऐसा क्या किया कि अब जो है वो बल्टी पे तेल डाल दिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, कैप्टन होने के नाते बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कप्तान को, तो बिग बॉस ने एक और अधिकार करणवीर वोरा को दिया कि कैप्टन होने के नाते आपको यह अधिकार दिया जाता है कि घर के कोई भी दो सदस्य चुनिए जो आपके हिसाब से घर के सबसे ज्यादा रूल तोड़ने वाले हैं, तो उनको फिर दी जाएगी सजा। तो सजा के तौर पे स्टोर हाउस के बाहर बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, वो उनको जाके साफ करने पड़ेंगे। तो बात बर्तन साफ करने की नहीं आती है, बात आ जाती है ईगो की कि मेरा ही नाम फिर से क्यों लिया। सबकी नजरें थी कि एक नाम तो पक्का ही है श्रीशांत का, तो केबी ने श्रीशांत और रोहित को माना है घर के सबसे रूल तोड़ने वाले, और दोनों को दिया बिग बॉस ने ये सजा। दोनों बर्तन तो साफ करने चुपचाप चले गए थे, लेकिन बर्तन साफ करते करते भी केबी के साथ जो श्रीशांत का युद्ध हुआ, जो लाइव देखने लायक होगी, और आगे जाके ये चीजें कैसे खुन्नस और ज्यादा खुन्नस में परिवर्तित होती है ये हम देखेंगे। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल एंड बिग बॉस 12। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।